এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। कि भारत में दूसरा जगह क्या है नहीं जानता, लेकिन पश्चिम बंगाल में गोहत्या बगैर कानूनी नहीं है, कानून का खिलाफ नहीं है। पश्चिम बंगाल और केरला ये दो राज्य है जहां गोहत्या बगैर कानूनी नहीं है। मुझे ये बोलना है यहां पर तो बीजेपी कभी हुकूमत में नहीं आएगा। बीजेपी के कुछ लोग ऐसा ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और जो लोग ज्यादा गांजा लेते हैं, गांजा, वो दिन में ही ख्वाब देखते हैं। वो सोचते हैं कि बीजेपी हुकूमत में आएगा, कभी नहीं आएगा। और हम लोग अगर रहेगा तो कभी ऐसा सांप्रदायिक कानून नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। लव जिहाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना है। और गोहत्या का कानून पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट भी लागू नहीं किया, उसके पहले कांग्रेस भी लागू नहीं किया, हम भी 10 साल में कानून लागू नहीं किया। हम ये कानून नहीं होने देंगे। आज एक बार हमें बांग्ला हिंदी मिशिए बोलबे, এখানে तो सब रकम लोग আছে। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान का हालत सोचिए। किसानों को जो आंदोलन चल रहा है केंद्रीय सरकार का कानून का खिलाफ, वो 40 दिन पूरा हुआ। ट्रैक्टर लेके हजारों किसान दिल्ली का चारों ओर घेरा हुआ है। मैं कल दिल्ली में था, लोग चिंता प्रकट कर रहे थे। इसके बाद दिल्ली में आना जाना बंद हो जाएगा कि नहीं? और हमारे किसान भाई ये वादा किए हैं कि अगर 3 कानून जो केंद्र बनाया है कृषि के बारे में, उसको सरकार प्रत्याहार नहीं करेंगे तो आंदोलन नहीं बंद करेंगे। मैं इस सभा से उत्तर भारत के किसानों को आंदोलन को समर्थन देता हूं। तृणमूल कांग्रेस के ओर से हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने आंदोलन करने वालों को साथ फोन में बात किया है और बोला इस आंदोलन के साथ हम है। और हम पश्चिम बंगाल में एक कृषक विरोधी आंदोलन कानून कभी लागू नहीं होने देंगे, ये हमारा पक्का वादा है। और मैं ये आपको याद दिलाने चाहता हूं, আমি আপনাদের স্মরণ করছি, আমি বলছিলাম না যে এত লোক হবে দিলীপ ঘোষের বাপের জন্মে দেখেনি, দেখুন এদিক থেকে মিছিল আসছে, এদিক থেকেও মিছিল, এইরকম মিছিল আসতে আসতে থাকবে। আর আলমবাজারে এরপর একটা পিঁপড়ে হাঁটতে পারবে না আপনি দেখবেন। আমি যদি বরানগর বুঝে থাকি তাহলে এইটাই হবে। দিলীপ দাকে যারা মঞ্চে আছেন নেমে যান, এখন যে কজন মঞ্চে উঠে ভিড় করছেন নেমে যান, মঞ্চে যারা আছেন একটু সরে যান। দিলীপ দাকে বরণ হয়ে গেছে, সরে যান। তৃণমূলের পক্ষ থেকে বড় মিছিল নিয়ে এসছে, উলক্ষে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। যত তোমাদের লোক আসছে বিজেপি ক্যালকুলেশন বাড়ছে, বলছে আমরা এরকম আর করতে। শঙ্কর রাও একটা বিরাট মিছিল নিয়ে আসছে। শঙ্কর রাও যুব তৃণমূল নেতা বিরাট মিছিল নিয়ে আসছে, শঙ্করকে আমি অভিনন্দন। এটা তো সাগরিকা, এটা সাগরিকা ব্যানার্জি, ও হচ্ছে 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, বিখ্যাত গায়িকা, ও মিছিল নিয়ে আসছে। মানে আমরা গায়ক নায়ক কাউকে বাদ দিইনি, সবাইকে। আর শঙ্কর পিছনে আছে, মিছিল নিয়ে আসছে, এসো সাগরিকা। আমার খুব ভাল লাগছে এই যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছি, দূর থেকে মিছিল গুলো আসছে, আমার বুকটা গর্বে ফুলে ফুলে উঠছে। আর বিজেপির বুকে প্যালপিটেশন।